हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, मैं भी अब थोड़ा सा ठीक हूँ और अपने माइंड को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हो चुका है। तो सही है, जो होना था वो तो हो चुका है, मैं उसको नहीं बदल सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और आपको शायद मेरा फेस अजीब सा लग रहा होगा, तो आप लोगों को पता ही है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो फेस की चमक, और जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फेस पे अपने आप ही पता चल जाता है कि हम दुखी हैं या फिर हम खुश हैं। तो मैं अपने आप को उस माहौल से थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और आज तो मेरा बेटा भी कह रहा था कि क्या नाम है, मम्मी आपका चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने माइंड को उस जगह से हटाती हूँ। तो आज तो थोड़ा मैं काम में बिज़ी रही थी, बहुत सारा काम हो गया था, तो थोड़ा मेरा माइंड उस जगह से हट चुका था। मुझे बस सिर्फ काम की टेंशन हो रही थी कि मुझे काम करना है। और हाँ, वो दिल में हमेशा रहेंगे, पापा इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे हम उनको, और अभी उनकी बातें याद आती रहेंगी। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो भगवान को अच्छा लगता है वही होता है। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, आप कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपके लिए कंटिन्यू व्लॉग्स बनाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, और कर रही हूँ कोशिश। अभी तो मैं कम से कम 20 दिनों बाद घर से आई हूँ, तो घर ही काफ़ी सारा गंदा हो गया है, तो उसी को क्लीन व्लीन करने में लगी हूँ। मन नहीं लग रहा लेकिन कर रही हूँ अब अपना। और एक यूट्यूबर पूनम जी हैं, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आइए। सही कहा था उन्होंने, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। सही है कि अगर हम इसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या है कि हमारा माइंड है ना, उन्हीं चीज़ों में घुसता चला जाएगा। तो बस अब मैं अपने माइंड को थोड़ा सा, और मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा, और मेरी आँखों के नीचे भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं। इन 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए मेरे तो, और ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आई साइड भी थोड़ी सी वीक हो रही है, तो मुझे चेक करवाना पड़ेगा। अब जब भी टाइम लगेगा तो मैं चेक करवाऊँगी। अभी तो ऐसा अपने वहीं जाऊँगी, मायके जाके वहीं पे ही चेक करवाऊँगी, वहाँ भाई के जान पहचान के हैं तो वहीं पे चेक करवाऊँगी। अगर चश्मा लगेगा तो चश्मा लगवाऊँगी, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और सर का दर्द मेरे ख़त्म नहीं होता। मुझे नहीं पता वो टेंशन की वजह से होता है या मेरी आई साइड वीक हो रही है, शायद हो भी सकता है, क्योंकि कभी कभी मुझे हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो हो सकता है शायद आई साइड वीक हो रही हो। और अभी बच्चों को मैंने अपने पास बुला के सुला लिया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बच्चों के पास नहीं थी मैं, तब तक तो वो मम्मी पापा के पास थे, तो आज उन्हें अपने पास लिटा लिया है मैंने। बच्चों के साथ में थोड़ा सा माइंड अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चे 10 तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की कोई वो नहीं होती है, तो उन्हें तो बस अपने खेल खाने और इन सब मस्ती चाहिए बस। तो उनके साथ बैठी थी, वो लेटे हुए, लेटे लेटे वो बेटा सो गया है, बेटी जग रही है, तो उनसे थोड़ा सा कैरम खेलने लग गए वो लोग, तो मैं उन्हें देखने लग गई मैंने उनकी। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी शायद मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, और बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हो तो उसे भी इग्नोर करना, क्योंकि हमारे गली में मकान बन रहा है तो वहाँ पे मशीनें वगैरह चलती रहती हैं इसलिए। और मैं अब आपके लिए डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैं कर रही थी कमरे की डस्टिंग, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने कपड़ा बांध दिया था, तो थोड़ा धीरे धीरे करके काम कर रही थी। सिर्फ आज कमरे की थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की थी और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज वगैरह कर दी थी, और मम्मी ने नीचे का काम कर लिया था तो मैंने कहा मैं ऊपर का साफ कर लूँ, क्योंकि मम्मी भी एजड हैं तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, वो नीचे का कर लें। बच्चों को अपने पास रखा था
खाना दुकान काफ़ी सारा काम हो जाता था उनके लिए भी। तो बस ऐसे ही कमरे में झाड़ू वगैरह मार देते होंगे, तो बस कमरे को थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, सारी चीज़ों पे धूल वगैरह जम रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने आज सिर्फ कमरा कमरा साफ़ कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 15 मेरे ख्याल से 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे मुझे, 1 महीने के लगभग ही हो गया था। तो बस मैं आज थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, और वुलन के कुछ कपड़े थे वो भी मैंने आज बेड में रख दिए थे, जो ज़्यादा भारी भारी से थे वो मैंने बेड में रख दिए थे। और अभी थोड़ा सा सर में तेल भी डालूँगी मैं, तेल डाल के फिर उसके बाद थोड़ा फिर काम करूँगी, क्योंकि सर में बहुत टाइम से मैंने तेल भी नहीं डाला है, तो शायद इस वजह से भी सर में दर्द हो रहा हो। तो बस जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी, कमरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सारी चीज़ों पे मिट्टी जमी हुई थी, तो ये सब तो हो ही गया था। और यहाँ मैं सोफे के कवर वगैरह झाड़ रही थी। और ये यहाँ मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे, धुलने वाले, बेडशीट, कंबल का कवर, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े। और मैं पानी गर्म करके इन्हें अब गर्म पानी में सर्फ़ डाल के भिगो दूँगी। और यहाँ ये मैंने कंबल भी हवा में डाल दिया था, इतने दिनों से बंद कमरे में था तो स्मेल सी आ रही थी, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और ये कपड़े सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, पानी गर्म होने लगा दिया है मैंने, और गर्म पानी में मैं इन कपड़ों को भिगो दूँगी। और यहाँ मैंने कपड़े सारे गर्म पानी में भिगो दिए, इसमें अपने और बच्चों के कपड़े भिगो दूँगी, उसके बाद फिर बेडशीट और कवर वगैरह धोऊँगी। मशीन से ये तो फ़ायदा होता है कि बड़े बड़े कपड़ों को धोने में आसानी होती है, और छोटे तो कपड़े हाथों से धुल ही जाते हैं, पर सर्दियों में बड़े कपड़ों के लिए मशीन बहुत ही ठीक रहती है। पर कोई नहीं, कभी ना कभी हो सकेगा तो मैं खुद खरीदूँगी मशीन। और यहाँ मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे, मैंने धोने की वीडियो नहीं बनाई थी, और ये मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। हमारे यहाँ तो कपड़े सूखने में भी 2 दिन लग जाते हैं, सर्दियों में तो 3-3 4-4 दिन में सूखते हैं, मशीन में ड्रायर हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। और यहाँ ये मैं अपने बच्चों के टोपे वगैरह रखती थी, क्योंकि टोपे वगैरह बच्चे लगाते नहीं हैं, तो बच्चों की अलमारी में भीड़ सी हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ कपड़े रख देती हूँ जो ज़्यादा हैवी कपड़े हैं, टोपे वगैरह लगाते नहीं हैं बच्चे, तो इनको सारे टोपों को, उनकी सॉक्स को, उनके दस्ताने वगैरह को सब को निकाल के रख दे रही थी। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे कैरम बोर्ड, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।